हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन्स एंड ट्रैवल। और डालीगंज पे इस वक्त जो काम चल रहा है, ट्रैक को इंटरलॉकिंग करने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी ब्लॉक नहीं मिला है तो वो नहीं हो पाया है। लेकिन अभी देखिए, मज़दूर लगे हुए हैं मेरे पीछे और ट्रैक को मजबूत करने का काम जो है वो अभी चल रहा है। टाइम लगेगा क्योंकि जो जो काम अभी बाकी हैं, सिग्नलिंग के काम सारे बाकी पड़े हैं बहुत से अभी, और जो भी यहाँ पर काम हो रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पैनल बॉक्स अभी लगाए जाएंगे यहाँ पर डालीगंज पर, ये यहाँ रखे हुए आ गए हैं, जो पटरियों को जोड़ने का काम करते हैं एक दूसरे में। और अभी बजरी वगैरह भरी जा रही है ट्रैक पर, और ये जो अभी ट्रैक बिछा है आप देख सकते हैं, ये पुराना ट्रैक है, रेल ट्रैक। जब ये ट्रैक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रेल ट्रैक पैकिंग मशीन काम कर रही है, अलाइनमेंट वगैरह जब सेट हो जाएगा, उसके बाद माल गाड़ी से नई रेल लाइंस लाई जाती हैं जो इन पटरियों को रिप्लेस करेंगी। उसके बाद जाकर कहीं पे CRS इंस्पेक्शन होगा, जैसा कि भोजीपुरा से पीलीभीत के आमान परिवर्तन में, और उसके बाद जो पीलीभीत से टनकपुर का आमान परिवर्तन हुआ वहाँ भी यही हुआ था। पहले जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं और पेंडोल क्लिप्स जो ये हैं, देखिए सब ये पुराने हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले ट्रैक का अलाइनमेंट होता है, ट्रैक सेट कर लिया जाता है, उसके बाद माल गाड़ी पे नई पटरियाँ आएंगी और वो जो हैं इस पटरियों को रिप्लेस किया जाएगा। ट्रैक को पैक करने का काम किया जा रहा है बजरी से, आप देख सकते हैं। ये भी ट्रैक में पूरी गिट्टियां भरी जाएंगी। काम में भी कुछ तेजी आई है बजट आने के बाद। इस ट्रैक को आगे देखिए, यहाँ पर जो लाइन अभी गोरखपुर वाली उससे ज्वाइन किया जाएगा। अभी मेगा ब्लॉक नहीं आया है तो थोड़ा अभी समय लगेगा, जब तक वो न्यूज़ नहीं आएगी मेगा ब्लॉक की तो ये ट्रैक इसमें लिंक नहीं हो पाएगा। और डालीगंज जंक्शन पर देखिए काम चल रहा है, खंभे लग गए हैं बिजली के, अभी तार खींचना बाकी है। यहाँ पर सिग्नल बनाने के लिए जो सिग्नल लगेगा उसके लिए देखिए गड्ढा खोदा जा रहा है और डालीगंज पे काम चल रहा है। 6 महीना अभी लगेगा, यहाँ पे जितने भी मज़दूर भाई लोग काम कर रहे हैं उनका सभी का ये कहना है कि अभी आप 6 महीना मान के चलिए, सब काम को कंप्लीट करने में लगेगा। डालीगंज जंक्शन के स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट सिस्टम जो है, देखिए लाउड स्पीकर ये लग गया है, स्पीकर लग गए हैं और LED लाइट्स लग गई हैं, ये काम हो गया है। नया कंट्रोल रूम, वो सफ़ेद बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं,
ये सफ़ेद बिल्डिंग, ये नया कंट्रोल रूम बन रहा है जहाँ से ट्रेन्स को कंट्रोल किया जाएगा, और इसमें जब सारा इक्विपमेंट इसका लग जाएगा तब ये जो बीच में बिल्डिंग आ रही कंट्रोल रूम, इसको तोड़ा जाएगा डालीगंज पे। ये ट्रैक्स अभी यहीं तक बिछे हैं, देखिए इसके आगे नहीं बिछे हैं, और रकाबगंज के पुल के नीचे भी अभी ट्रैक नहीं बिछाया, करीब 300 मीटर सिटी स्टेशन से ऐशबाग के बीच, वो भी अभी नहीं बिछा है। और ये कंट्रोल रूम जो सामने आप देख रहे हैं मेरे, दो ट्रैक्स के सामने बिल्डिंग आ रही है, ये शिफ्ट किया जाएगा, इसको शिफ्ट किया जाएगा जो सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें, उसके बाद जाके मेगा ब्लॉक मिलने की उम्मीद है, और तब जाके कहीं ट्रैक ओके हो पाएगा। तो अभी काम चल रहा है, 6 महीने आप मान के चलिए कि मित्रों लगेगा, और हम लोग भी चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी ट्रेन चल जाए, क्योंकि जो डेली पैसेंजर्स रोज़ सीतापुर और लखनऊ के बीच आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि 6 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद CRS के लिए कुछ न्यूज़ आए, तो तब तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टेशन का काम करीब करीब जो मेजर सिविल वर्क्स हैं वो पूरे हो गए डालीगंज पे, अब थोड़े बहुत काम बचे हैं, वो अगले 2 से 3 महीने में हो जाने चाहिए। अब जिस प्रकार से काम की रफ्तार चल रही है, काम हो रहा है तेज़ी से, तो उसको देख के लग रहा है कि 3 से 4 महीने में ये लोग काफ़ी काम कंप्लीट कर लेंगे। ये वो ट्रैक है, कैची देखिए बनी रखी है, ये आ गई है जो सीतापुर लाइन को लिंक करेगी इस गोरखपुर लाइन से, और ये जो ट्रैक है ये यहाँ पर आगे, ये आप देख सकते हैं इस ट्रैक में लिंक होगा। जो ये कैची रखी है और ये स्लीपर्स देखिए पड़े हैं, इनको यहाँ पर इस सिग्नल पॉइंट के आगे, ये जो आप लेफ्ट हैंड पे मेरे बाएं हाथ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसको लिंक किया जाएगा ट्रैक को काट करके, तो इस ट्रैक को इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये तभी होगा जब मेगा ब्लॉक मिलेगा, और यहीं पर से ये टेम्परेरी कट बनाकर ट्रैक पैकिंग मशीन को मोहबुल्लापुर बख्शी की तालाब इटौजा की तरफ ले जाया गया था, जो अभी काम कर रही है ट्रैक पैकिंग का, और उसमें भी अभी 1 महीना बता रहे हैं समय लगेगा पूरा होने में। तो यहाँ से ये गोरखपुर का सेक्शन है देखिए जा रहा, और ये जो लेफ्ट हैंड पे आप बाएं हाथ पे ट्रैक देख रहे हैं ये सीतापुर की ओर जाएगा, और इसको ये जो कैची आ रही है ये कैची हटेगी, जो अभी फ़िलहाल यहाँ मौजूदा कैची है, और ये ट्रैक यहाँ पे लिंक होगा जाकर कहीं इस सिग्नल के पास। तो यहाँ पर नई कैची बनेगी इस जगह पर, और तब जाकर ये जुड़ेगा और सीतापुर की तरफ तब ट्रेनें चल पाएंगी, तो अभी टाइम लगेगा इसमें। अब मौसम भी गर्म हो रहा है, धूल उड़ रही है, और जब भीषण गर्मी होगी तो फिर एक बार काम करने में कठिनाई आएगी मज़दूरों को। ये देखिए क्रेन से एस्कॉर्ट की ये क्रेन है, और ये रेल पटरी को उठाया जा रहा है यहाँ पर। तो अभी काम सब चल रहे हैं, और 6 महीना समय लगेगा।